सब्सक्राइब करें मेरे चैनल शिप्रा जोशी को और बेल बटन पर क्लिक करें लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। कभी कभार ऐसा हो ही जाता है कि घर में कोई सब्जी लाई हुई नहीं होती, तब हम परेशानी में आ जाते हैं, सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही मौक़ों के लिए परफेक्ट है हमारी आज की ये रेसिपी। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान की बहुत ही फेमस साबुत प्याज की सब्जी, जिसका टेस्ट इतना बढ़िया है कि इसे खा के आपका दिल खुश हो जाएगा। रोटी, पूड़ी, पराठा, यहाँ तक कि चावल के साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे करीब 18 से 20 इस तरह के छोटे साइज के प्याज। अब आप एक नाइफ लेकर इनमें कट लगा लीजिए। ध्यान रखिए कि हमें प्याज को पूरा काटकर अलग नहीं करना है, बस इस तरह से चीरा लगा देना है। यहाँ पर मैं ऐसे प्लस का साइन बना रही हूँ, देखिए। चलिए फटाफट से बाकी बचे हुए प्याजों में भी कट लगा देते हैं इसी तरह से। ऐसा करने से सब्जी बनाते वक्त जो मसाला है वो प्याज के अंदर तक जाएगा, जिससे इसका टेस्ट और भी मज़ेदार लगेगा। देखिए, प्याज हमारे घरों में जनरली होते ही हैं। बिल्कुल छोटी सी रेसिपी है और स्वादिष्ट इतनी कि सब चटकारे लेकर खा जाएंगे, इसीलिए एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबको चीरा लगाकर तैयार करने के बाद हम गैस को मीडियम फ्लेम पर सेट करके एक पैन रखेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। कोशिश कीजिएगा कि आप इस सब्जी को सरसों के तेल में ही बनाएं, क्योंकि जो इसका ऑथेंटिक टेस्ट है वो इसी तेल में आ पाएगा। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए और इसमें धुआं आने लगे, तब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और कुछ खड़े गर्म मसाले, जैसे कि 1 तेज पत्ते का टुकड़ा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 1 छोटी इलायची और 8 से 10 काली मिर्च के दाने। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इनसे सब्जी में। कोई भी सब्जी सरसों के तेल में बनाते वक्त आप इस बात का खास ध्यान रखें कि मसाले डालने से पहले आप तेल को अच्छे से पका लें। इससे तेल की जो कच्ची स्मेल है वो निकल जाएगी और सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी। 1 मिनट के बाद हम 2 बड़े साइज के टमाटर लेंगे और उनको बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेंगे, ऐसे कि उनका इस तरह का दरदरा पेस्ट बन जाए। ध्यान से पैन में डालकर मिला लेंगे एक बार सारी चीज़ों को। टमाटरों को मिक्सी में पीसकर फाइन पेस्ट बनाने के बजाय आप भी मेरी तरह इस सब्जी के लिए उन्हें एकदम बारीक काटकर ऐसे ही यूज़ कीजिएगा। इससे सब्जी का जो टेक्स्चर है वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। थोड़ी देर में जब तेल ऐसे ऊपर आने लगे, तब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ मसाले, जैसे कि 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/3 टीस्पून अमचूर पाउडर और 1/3 टीस्पून नमक। मिला लीजिए सारी चीज़ों को अच्छे से। देखिए कितना चटपटा मसाला बना है इसका। अगर आप कम मेहनत में डबल मज़ा लेना चाहते हैं तो ये सब्जी ट्राई करनी तो बनती ही है। मसाला पकने के बाद जब तेल इस तरह ऊपर आने लगे, तब हम इसमें 1 चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन की मदद से ये जो ग्रेवी हम तैयार कर रहे हैं वो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। मिलाकर अच्छे से भून लेना है आपको इसे। इसके बाद जो हमने प्याज कट लगा कर रखे थे वो डाल देंगे इसमें। मिक्स कर लीजिए इनको, ताकि सारे प्याज मसाले में पूरी तरह कवर हो जाएं। ध्यान रखिएगा कि इस सब्जी के लिए आपको छोटे साइज के प्याज ही लेने हैं, क्योंकि अगर हम बड़े प्याज लेंगे तो उन पर मसाला अच्छे से नहीं चढ़ेगा। इसके बाद आप इनके ऊपर 1.5 से 2 टेबलस्पून पानी डालकर मिला दीजिए। ये देखिए कितनी बढ़िया लगने लगी है हमारी सब्जी। अब हम इसे ढक देंगे और 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे।
बीच बीच में हर 2-3 मिनट के बाद आप ढक्कन हटाकर पलट दीजिएगा इनको, ताकि सब तरफ से प्याज बराबर पक जाएं। हमें इसे ढके करीब 8 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब चेक कर लेते हैं। इसके लिए आप एक स्पून लेकर हल्का सा प्रेस करके देख लीजिए प्याज को। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है, इसका मतलब प्याज हमारे बढ़िया पक गए हैं। अब देखिए हम इस सब्जी को शाही टच देने के लिए इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मलाई। दूध उबलने के बाद जो मलाई रह जाती है उसे अच्छे से फेंट कर यूज़ कर लिया है यहाँ पर हमने। मिला देते हैं इसको। मलाई डाल देने से जो राजस्थानी ढाबों पर शाही प्याज की सब्जी मिलती है ना, ये बिल्कुल वैसी लगेगी। अगर आपको कभी उसे टेस्ट करने का मौका मिला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम ऊपर से 2-3 लंबी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे इस पर। देखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी इससे ये सब्जी। फिर आप इसे मिलाकर 1 मिनट के लिए पका लीजिए और गैस बंद कर दीजिए। इसी के साथ हमारी ये चटपटी और जायकेदार प्याज की सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सिंपल और बिल्कुल छोटी सी रेसिपी है। आप एक बार ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।